नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। कामा क्षेत्र की गोपालगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां नाकाबंदी कर चोरी के मोबाइल सहित साइबर ठग को पकड़ा। जहां गोपालगढ़ थाना पुलिस ने कटी घाटी पर नाकाबंदी कर रखी थी, जिसके तहत चोरी के मोबाइल सहित साइबर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में अपराधियों के धरपकड़ अभियान के चलते थाना इलाके की कटी घाटी पर पुलिस ने नाकाबंदी की, तो हरियाणा की तरफ से बाइक पर सवार होकर पीठ पर बैग लेकर एक ठग आ रहा था, जिसे पुलिस टीम ने रोककर पूछताछ व चेकिंग की, तो आरोपी के कब्जे से 10 चोरी के मोबाइल मिले। सभी मोबाइलों को पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं साइबर ठग मोहम्मद आसिक उर्फ साहिब पुत्र जमशेद निवासी मूल का थाना उटावाड़ा हरियाणा को गिरफ्तार किया है। ठग चोरी के मोबाइल की अन्य साइबर ठगों को बेचने की जानकारी मिल रही है। इन मोबाइलों से ठगी में काम लेने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। जहां जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गोपालगढ़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा दर्जनों वाहनों को चेक किया गया, लेकिन एक बाइक आती हुई दिखाई दी, जिस बाइक पर बैठे युवक ने पीठ पर एक बैग रखा हुआ था। जहां पुलिस ने बाइक को रोककर युवक के बैग को चेक किया, तो उसमें 10 चोरी के मोबाइल पुलिस को मिले हैं। जहां पुलिस द्वारा आरोपी से भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं ठगी में उपयोग ले जाने के मोबाइलों के कयास लगाए जा रहे हैं। जहाँ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा लगातार नाकाबंदी कर अभियान चला रखा है, जिसके तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नाकाबंदी कर चोरी के मोबाइल सहित साइबर ठग को गोपालगढ़ थाना पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल मिली है।